शालो। जी भाभी। यहाँ। क्या बात है, बहुत चहक रही हो। तनी हम भी तो जाने तुम्हारे खुशी का राज। नहीं भाभी, ऐसी कोई खास बात नहीं है। शालो, हम 3-4 दिन से देख रहे हैं, तुम्हारे चेहरे का रंगत बदल गया है, खुशनुमा हो गया है। तुम्हारे उम्र से गुजर चुके हैं हम, हमको सब पता है कि ऐसा कब होता है। का हमको उसके बारे में नहीं बताओगी जिसने तुम्हारे चेहरे का रंगत बदल दिया है? घबराओ मत, हम तुम्हारी भाभी हैं, तुम्हारा भला ही चाहेंगे। का तुम हमको अपना नहीं समझती? भाभी, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, तब भी तो तुम अपना दिल का बात हमको नहीं बता रही हो। भाभी, आप और भैया ही तो मेरे सब कुछ हैं। भैया ने एक दोस्त की तरह मुझे बड़ा किया, मेरी देख रेख की, और आप भी तो मुझे दोस्त की तरह ट्रीट करती हैं। फिर मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? बात यह है कि मेरे ऑफिस में एक लड़का है, सम्राट, कंप्यूटर इंजीनियर है, बहुत ही तेज होशियार है। आते ही उसने सारा काम इतने बढ़िया से संभाल लिया कि सर बाहर जाते वक्त सारी जिम्मेदारी उसे ही सौंप कर गए हैं। तारीफ तो हो गया, अब असली बात बताओ। भाभी, मैं उसे चाहने लगी हूँ, पसंद करने लगी हूँ। ओह, तो हे में कौन सा खास बात है? ये उम्र में हर कोई अच्छा लगने लगता है। लड़का तेज है, स्मार्ट है, तो उससे अट्रैक्शन होना स्वाभाविक है। नहीं भाभी, ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। अच्छा, तो ये बात है। घबराओ मत, हम तुम्हारे भैया से बात करके बात को आगे बढ़ाते हैं। नहीं भाभी, अभी मुझे नहीं पता कि वो मुझे चाहता है कि नहीं। भाभी, मुझे लगता तो है कि सम्राट भी मुझे पसंद करता है, लेकिन जब तक वो अपने प्यार का इजहार मुझसे नहीं कर देता, तब तक भैया को कुछ नहीं बताना है। पर वो लड़का तुम्हारा प्यार कब स्वीकार करेगा, का पता? और कहीं वो किसी और को चाहता होगा तब? इसीलिए तो कह रही हूँ, अभी रुक जाइए। सम्राट किसी और को नहीं चाहता है, मैं जानती हूँ। वो जल्द ही मेरा प्यार स्वीकार कर लेगा, फिर मैं सबसे पहले आप ही को बताऊंगी। ओके भाभी। भगवान करे वो लड़का ठीक हो, भला हो, लायक हो। अगर कहीं गलत निकला तो परिणाम बहुत ही भयंकर होगा। शालू को का पता? हम जानते हैं कि उसके भैया का गुस्सा कितना खतरनाक है। सोनिया जी, सोनिया जी, हैप्पी दिवाली। आपके भी हैप्पी दिवाली। आप भी चलाएं ना। सोनिया जी, ये शुभ शुभ अवसर पे हम आपसे कुछ शुभ शुभ कहल चाहते हैं। बोली बोली। आपके निकल अगर फुलझड़ी के उजाला की तरह हमारा जिंदगी में भी कोनो उजाला होके चाहिए। हाँ हाँ, काहे नहीं,
और ई उजाला तब्बे होकी जब जिंदगी में कोनो हम सफर होकी कोनो साथी हो। अब तो हमारा दिल के बात कर दे, आपके हमारे विचार कितना मिलेला जुलेला। हाँ वो तो एकदम ठीक है बा। बाकी आप हमरा से कुछ और कहल चाहत हैं? हाँ हम कहीं आप इतना ही कहल चाहत हैं कि आपके कोई पसंद आ गइल बा, भाग गइल बा? आपके कैसे पता? हम वनस्पति शास्त्र के अलावा मनोविज्ञान भी पढ़ ले बानी। हम आपके चेहरा और मस्तिष्क के देख के आपके बारे में बहुत कुछ बता सके तानी। अच्छा तो हमारा मस्तिष्क के रेखा का कहत बा ई बताई। आप अपने माई के कहला पे हमसे कुछ बात करे आयल हैं? हाँ अच्छा आप तो ज्योतिष भी जान ली, फिर तो आप यो जानत होगा कि हम का कहल चाहत हैं। जानत आनी पर आपके मुंह से सुनल चाहत आनी। बोली सुनिया जी हम आपसे ब्याह करल चाहत हैं। देखिए आपके बुरा लागल होके तो नहीं नहीं ऐसा कोनो बात नहीं खे। दरअसल ई बारे में हम अपना भैया से बात कैला के बाद ही कुछ बता पाई। वो ठीक बा पर आपके मन में भी तो होके के चाहिए का हम आपके पसंद हैं? अरे दीपक जी आप उदास काहे हो गए नी? कहीं आपके भाई साहब हमनी के गरीब समझ के रिश्ता से मना कर दिए हैं तो? अरे नहीं हमार भैया हमार पसंद के कब वो मना ना करिए। कुछ कभी अपने माई के सुना क्या होता नहीं। हैप्पी दिवाली नीलू हैप्पी दिवाली। बढ़िया बा, दूर से नहीं पास आके देखा फिर बतावा। बढ़िया नहीं बनल बा मम्मी? अरे बल्कि बहुत बढ़िया बनल बा। अच्छा एक काम कर एकर बॉर्डर बना दे। ठीक बा? ठीक है। जी माँ जी प्रणाम आशीर्वाद दी खुश रहा बेटी। तू के पाड़ू तोरा के कबो देखली नहीं? माँ जी हम आपके बेटा के मेहरारू यानी आपके बहू हैं।
पाड़ू सच में? हाँ, पर ये कैसे हो सकेला? हमार बेटा के पता ही नहीं खे कि वो कहाँ बा, फिर ओकर महरारू कहाँ से आ गए? माँ जी, आपके बेटा आपके ही पास बा, अब बहू भी आ गई बिया। हमरे पास बा? कहाँ? के बाऊ? देखा, पहली मत बुझावा, एगो माई के ममता से मत खेला। साफ साफ बतावा, तू कहल का चाद बड़ू? माँ जी, आप अपन बेटा के अच्छी तरह से जाने नहीं, आप ओकरा से मिल भी चुकल हैं। वो आपके ही कंपनी में काम करेला। के ही बेटा हमन, आपके आपन बेटा, सगा बेटा। सम्राट भैया हमार असली भैया बाड़न, और हमने के पता ही नहीं के। मम्मी, भैया मिल गईलन, भैया मिल गईलन मम्मी। पर तू कैसे कह सकेलू कि सम्राट हमार अपन बेटा है? माँ जी, कहे कि हम इनकर बाबूजी, यानी आपके पति के और उनकर पहला पत्नी के अच्छी तरह से जाने ले। आपके पति यानी हमारे ससुर के पता रहे कि आपके बेटा कहाँ पलत, पर वो आपके नहीं बतौलन, धोखा दहलन आपके, वो आपसे झूठ बोलन, आपसे छल कहलन कि आपके बेटा के वो अनाथालय में छोड़ाई पर, जबकि सस्ता यह कि वो आपके बेटा के अपना पहला पत्नी के गोद में डाल देने रहा। वो अपन पहला पत्नी के भी धोखा दे, उनकरा से भी झूठ बोलन, उनकरा के ई नहीं बतौलन कि वो आपके बेटा बा, कही दलन कि वो अनाथ बा। 24 साल से वो आपके आपन बेटा खातिर तड़पौलन, रुलौलन, आपके ओकरा से मिले नहीं देलन, जबकि उनका पता रहे कि आपके बेटा उनका पहला पति के पास पल रहल बा। नहीं, नहीं, पूजा ये नहीं आ सकेले, ये नहीं हो सकेला। ढंग से माई के सब कुछ बताते हैं।